वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सोलो लेवलिंग एनिमे से फैंस इतने ज्यादा डिसअपॉइंट क्यों है। तुम मुझे जूते चप्पल मानना शुरू करो, उससे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वैसे अगर तुम्हें जूते चप्पल मानना ही है तो मुझे नहीं सब्सक्राइब वाले बटन को मारो। सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने सोलो लेवलिंग की मानवा क्यों रीड की। प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें उसकी स्टोरी पसंद आ गई। देखो मुझे सोलो लेवलिंग के स्टोरी से ज्यादा उसका प्लॉट पसंद है। एक अंडरडॉग की स्टोरी, कैसे वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वीकेस्ट से वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। और दूसरा उसका गॉड लेवल आर्ट, मतलब इसके आगे कुछ नहीं। Exactly. और तीसरा रीजन इसका बैंगर एक्शन। हर सोलो लेवलिंग में तुम्हें भरपूर एक्शन मिलेगा। ये तो क्लियर ही है। ये तो हो गई भाई मानवा की बात। अब चलो इसके एनिमे एडेप्टेशन पे आते हैं। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि इसका एनिमे बिल्कुल ही खराब है, मतलब 8+ की रेटिंग भी मिली है, पर 9 या 9 से ज्यादा तो होना ही चाहिए। सोलो लेवलिंग एनिमे जब अनाउंस हुआ तो भाई फैंस एकदम बौखला गए। ऐसे बोल रहे थे, ब्रो देख रहा है एकदम फैंटेसी जॉनर को चेंज करके रख देगा। फैंटेसी जॉनर चेंज तो हुआ, पर सोलो लेवलिंग के हाथों नहीं बल्कि फेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड के हाथों। ऊपर आई बटन है वहां पर जाके क्लिक करके देख। इस एनिमे ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया और जिससे क्या हुआ कि लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गई, मतलब ओवर द टॉप चली गई। लोग कहने लगे भाई इतना ज्यादा टाइम ले रहे तो कुछ अच्छा ही बनाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और सेकंड रीजन ये कि ये सीजन बस 12 एपिसोड का ही था, मतलब असली सोलो लेवलिंग तभी शुरू भी नहीं हुई। ये जो पूरा सीजन था सीजन 1 वो बस एक ट्रेनिंग आर्क था। असली कहानी जो शुरू होने वाली है जेजू आइलैंड। पर अच्छी बात ये है कि भाई सीजन खत्म होते ही उन्होंने सीजन 2 को भाई अनाउंस कर दिया, जहाँ पर हमें दिखता है जिन वो हर किसी को साइलेंट करते हुए। पर सच में जो मेटल जॉ वाले जो डॉग थे ना, वो जो फाइट थी बहुत ही ज्यादा बेकार। और मैं सच में बताऊँ मुझे वही सोलो लेवलिंग का आर्ट चाहिए, वैसा ही पूरा एनिमे होना चाहिए यार। नहीं तो मतलब ये जो आर्ट है सही तो है मगर उस लेवल का नहीं है। और सीजन 2 अनाउंस तो हो गया है पर कब आएगा भाई किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो जेजू आइलैंड आर्क होगा वहाँ पर फाइट बहुत ही ज्यादा तनाव होने वाली है। उसको एनिमेशन करना भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, शायद से 1 या 2 साल लग जाएंगे। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो कुछ और ही है, वो है भाई जो जेजू आइलैंड आर्क है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो जापनीज है वो बहुत ज्यादा टाइप के लोग हैं। और तुम्हें तो पता ही जो एनिमे है ये अभी कहाँ पर बन रहा है, इसका एनिमे एडेप्टेशन बन रहा है जापान में, जिसका स्टूडियो है A1 Pictures। और इसकी जो मानवा है वो भाई साउथ कोरियन है, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी चीजें छेड़छाड़ की जाए। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जो जापनीज है वो बहुत ज्यादा घमंडी सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। अब देखो मुझे भाई सोलो लेवलिंग एनिमे में सब कुछ एकदम बिल्कुल भी बेकार नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अच्छी है। जैसे कि भाई episode 10 और 11 में वो कमाल क्या है एपिसोड से, डिटेलिंग भाई बहुत अच्छी की गई है। और जो वॉइस एक्टर है भाई सिन जिन वो का भाई वो तो कमाल का है भाई, बंदे ने एकदम भाई जान डाल दी कैरेक्टर। पहले एपिसोड से लेकर भाई लास्ट के एपिसोड तक भाई बंदा मतलब कैरेक्टर के साथ एकदम जुड़ा हुआ है। और अकीरा टोरियामा के लिए भी उन्होंने जो ट्रिब्यूट दिया है वो भी कमाल का था। That's when my thoughts can be dangerous. That's when I put on my makeup and drown in self-hatred, forget what I'm saying. Where the beat go? और अगर तुम नए हो और तुम्हें वही सोलो लेवलिंग की स्टोरी के बारे में जानना है तो भाई तुम्हें मैं भाई रिकमेंड करूंगा तुम उसका जाके मानवा पढ़ो, तुम्हें मजा आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भाई मैंने सोलो लेवलिंग की स्टोरी जानते हुए भी मैंने इस एनिमे को देखा है, और वो है फैन सर्विस ऑब्वियसली। तो आज के लिए बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद हो तो लाइक मारो, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करो। चलो तुम्हें मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।